हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड UK09 गढ़वाल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कोटी कॉलोनी की इन हसीन वादियों से। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है झील का, और काफ़ी टाइम बाद भी ब्लॉग आ रहा है मेरा। तो चलिए आगे, मैं आज नरेंद्र नगर जाने वाला हूँ, वहाँ का सफ़र मेरा तय होने वाला है। तो चलिए आगे बने रहें ब्लॉग में। हे गाइस, अब हो गया हूँ मैं तैयार और अब है जाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अभी अमृत सरोवर नैल में। यहाँ पे नैल है, यहाँ गांव का नाम जो है नैल है, और ये चंबा के आसपास पड़ता है। यहाँ से चंबा अभी करीबन 8 किलोमीटर और है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे जो है अमृत सरोवर नहर है, और ये देख सकते हैं आप लोकेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और तिरंगा का यहाँ पे कलर हो रखा है। चलिए एक बार अंदर, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह है। और अभी यहाँ से ऊपर से यहाँ से झरना बहता है, लेकिन आजकल यहाँ पर पानी कम हो रखा है। और ये देखिए, ये भी कम हो गया है, बिल्कुल ही मतलब घट गया है बिल्कुल पानी। और चलिए, ये एरिया जो है चंबा के पास पड़ता है, और यहाँ पे जो है नैल गांव है, यहाँ पे नैल गांव है और ये चंबा के पास पड़ता है। तो चलिए, दिखा दिया मैंने आपको, यहाँ पे ऊपर से यहाँ से झरना बहता है, लेकिन आजकल यहाँ पे पानी बिल्कुल कम हो रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं आपको चंबा में। अपनी स्कूटी अपनी धन्नो यहाँ खड़ी है, और मुझे जाना है आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, आज काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं चंबा पहुंच चुका हूं, और ये देखिए मैं चंबा आपको दिखा देता हूं। आज बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, चलिए आपको दिखाता हूं बैक कैमरे से। रहा चंबा, और आज यहां पे बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, और मैं आया हूँ इधर से, और इधर को जाऊँगा मैं। ये ऋषिकेश वाला रूट है, और यह टीरी वाला, तो मैं जाऊंगा इधर। दोस्तों, पेट्रोल भी भरवा दिया है, इस पेट्रोल पंप से भरवाया, और टंकी भी फुल हो गई है। ये देखिए फुल हो गया है, और अभी चलते हैं आगे की तरफ। गंधर्वदेवताभ्यो नमो नमः घंटायनादं करिषीतः ओम अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव दीर्घायु वर्धनम सुख शांत संप्रदाय येन वधो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल अश्वत्थामा बलिर्व्यासो कृपाचार विवेकानां तेन त्वं प्रजां सूर्यदेवाय नमः। दादाजी ऊपर करो, और तो मनीष ने सूर्यदेव को जल अर्पण कर दिया है। और ये देखिए मौसम कुछ इस तरह हो गया आज, तो आज मोंटी भाई का जन्मदिन है। तो चलिए, तो
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड UK09 गढ़वाल में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मोंटी भाई का जन्मदिन है। आपने अभी देखा मोंटी भाई सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रहा था। और चलिए, ये मिलन है, डॉक्टर मिलन। हेलो। और मनीष भाई तो गया नीचे। और अभी हमने आज उसके बर्थडे मनीष को आज लूटेंगे। आज हम उसे बोलेंगे पार्टी खिला, मोमोज खिला आज हमें। एक बार अब देखते कितना लूट सकते हैं उसे। चाहेंगे तो हम यही कि हम उसे बहुत एक बार मनीष के लिए एक फीलिंग है, दादाजी दादाजी न जाने क्यों मेरे दिल में मनीष को बाबा दादाजी कौन दादाजी बोलने को करा। तो इसने मनीष को दादा बना दिया। तो चलिए अब चलेंगे आगे की तरफ और दिखाएंगे आपको मनीष को लूटते आज पूरे ढंग से। तो हे गाइस, अब मैं और मनीष हो गया हूँ तैयार। मनीष तैयार हो गया है ना, और मैं भी तैयार हो गया, डॉक्टर मिलन भी तैयार हो गया। मेरा चश्मा पहने, चश्मा लगाओ ना सर, लगाओ ना चश्मा। क्या नाम है आपका? रजनीकांत। अरे बुआ जी हैं, बुआ जी हैं, बुआ जी ने आज बहुत ही मस्त पकौड़े बनाए और बहुत ही टेस्टी हो रहे थे और दिल खुश हो गया। मनीष थोड़ा सा उदास है, लेकिन अभी मनीष का अभी चेहरा खिला नहीं है। जब रिश्के जाए तो खुलेगा चेहरा भी और चैन। हम तैयार हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। हम आज जाएंगे मधुबन आश्रम। मिलन बड़ी मस्त लग रही है। भगवान से मिलने जाएंगे। हाँ, मिलन हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम मधुबन आश्रम जाएंगे। अच्छा, वो वृंदावन जैसा दिखता है, बिल्कुल छोटा वृंदावन बोल सकते हैं। हाँ, छोटा वृंदावन बोल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो चलिए, बिल भी आ चुका है। किस किस का बिल है? पता नहीं, कितना लाखों रुपए का बिल आ रहा है भयंकर। तो ये देखिए, इसने बिजली विभाग वाली नौकरी ज्वाइन कर दी है। सारे मीटर की चेकिंग कर रही है बिल। ये अपने मोंटी भाई, मोंटी भाई आज बाइक क्यों बाइक नहीं ले जाएंगे क्या? आज बाइक नहीं ले जाएंगे? आज बाइक ले जाने की वो नहीं है आज। बाइक इन्होंने कोचिंग के लिए रखी है, इससे आज मिलन की स्कूटी ले जाएंगे। चलो, ये मनीष भी आ चुका है और मिलन भी आ चुकी है। ये देखिए आ चुकी है, मिलन गेट बंद कर रही है। दादाजी तो गाइस बैठ चुके हैं हम, और मनीष के साथ कोई नहीं है, मेरे साथ मिलन है। चल बैठ बैठ, मनीष बैठ चुका है। ये देखिए मनीष भाई, मनीष भाई थोड़ा सा सैड है, अभी पूछेंगे मनीष भाई को आगे। को न जाने क्यों मेरे दिल में दादाजी बोलने को कहा। हाँ, ये पागल हो गए, दादाजी दादाजी बोलने जा रही है। इस कमांडर वाले ने हमें बहुत परेशान किया है, बार बार हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। इसने बजा बजा के इसने हॉर्न हमारा दिमाग खराब कर दिया। अब जाके आगे निकला, अब इसको थोड़ी तसल्ली मिली। इसको हम छोड़ेंगे, अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। दादाजी, न जाने क्यों मेरे दिल ने आपको दादाजी कहने का बोला। तो गाइस, आज हम इन हंसी वादियों से निकल के थोड़ा प्लेन्स की ओर निकल के हम घूमने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी नहीं आए? दादाजी कहाँ रह गए? तो मनीष भी आ गए। मनीष क्या क्या हुआ? तेल गिर गया था रास्ते में। ओहो, अच्छा, अभी सही कर दिया। तो गाइस, मनीष भी आ चुका है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए, मनीष का कुछ सामान गिर गया था इसलिए मनीष पीछे रह गया था। तो चलिए मनीष। तो हे गाइस, अभी हम रुके हैं रास्ते पे जहाँ से नैन नगर के लिए और राजमहल के लिए रास्ता जाता है। तो आज मनीष का जन्मदिन है और मनीष का मूड मुझे थोड़ा सा सैड लग रहा है। चलिए पूछते हैं मनीष से, क्योंकि यार उसके साथ थोड़ा सा स्कैम बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे हुआ है। तो चलिए पूछते हैं मनीष भाई से। और बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष भाई, क्या बात है, तो बहुत ही सैड लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत, ऐसा क्यों? थोड़ा बहुत हंस ले यार, आज तेरा जन्मदिन है, मतलब बिल्कुल ही वो हो रखा है। देखिए आप मनीष का चेहरा देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से उतरा हुआ है। खुशी होनी चाहिए बर्थडे के दिन, लेकिन लग नहीं रही है मनीष के चेहरे पर खुशी, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। हमने तो जबरदस्ती करा कि मैंने कहा चल घूमने, तो अभी
थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए इसको थोड़ा ऋषिकेश ले जाते हैं, और ये मिलन भी है साथ में हमारे, तो ये पागल हो गई है, इसने पता नहीं कौन सा डायलॉग सुन लिया, बार बार बोली दादाजी दादाजी, सूर्यवंशम का, और इसी साथ में पागल हो गई, ये दादाजी बोल रही मेरे मुंह से ट्यून निकले, ना जाने क्यों मेरे दिल ने इन दोनों को दादाजी बना दिया, हम दोनों को दादाजी बना दिया गाइस। पर सही है यार, मनीष का मूड बहुत खराब है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि मनीष का मूड सही हो जाए, ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं, चुटकी में इसका मूड सही कर देंगे। चुटकी बजाने से सब कुछ सोल्यूशन का हल हो जाता, तो फिर मूड सही हो गया तो नजर उतारिए चुटकी बजाए। तो चलिए मिलते हैं आपको ऋषिकेश में, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें यार, कम से कम मनीष के लिए तो करें यार, अरे कमेंट जरूर करें कि मनीष का मूड खराब बहुत है, मनीष को हैप्पी बर्थडे जरूर।